बेटा हमारे पास तो देसी जुगाड़ है, डिजिटल बोर्ड है नहीं, फ्री ऑफ कास्ट आप लोग की मदद कर दे रहे। रही बात अब डिजिटल बोर्ड की, हमारे पास तो सब बुक कॉपी भी, हम जो घर के बच्चे माइनिंग में पढ़ते थे उनको सब दे दिया, ना नोट्स है ना बुक कॉपी था। हम तो फिर से एक बार धनबाद जाकर के बहुत सारा बुक हजारों में खरीदे, हजारों रुपए का बुक खरीदे, 1-2 हजार का नहीं, 10-12-15 हजार रुपए का बुक खरीदा। ये बोर्ड ये टूट गया, गिर गया, वीडियो बनाते बनाते स्टैंड खराब हो गया 2 गो, तो थोड़ा मोड़ा अपना खर्चा करके चला रहे। अब रही बात डिजिटल बोर्ड की, तो उतना भी स्थिति में नहीं है कि उसको लाया जाए, और यदि किसी के पास है तो पार्सल कर दीजिएगा, एड्रेस हम दे देंगे, एड्रेस मांग लीजिएगा। हम जो बोल रहे हैं उसको ना सुनिए, यहाँ क्या लिख रहे हैं उसमें बहुत बड़ा बात नहीं होता, सब बुक में आपके पास है, सब कुछ लिखा हुआ आपके पास है, एक नहीं मार्केट में जाइए 1000 बुक मिल जाएगा। जो हम बोल रहे हैं, जो समझा रहे उसको सुनिए, अपने आप बहुत सारा चीज याद हो जाएगा। ठीक है, फिर भी कोशिश करेंगे कि कुछ क्वालिटी सुधारा जाए, हमारे पास और कुछ साधन है नहीं कि क्वालिटी को सुधारू, जो है इतना ही है। ठीक, कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो MCL WCL CCL या ACCL के एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखे, इसके बाद और लिखेंगे, जिसमें से ये पहला जो क्वेश्चन लिखा है ये बहुत बड़ा, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा है, तो उसको आखिर में लेते हैं। पहले ये क्वेश्चन नंबर 2 और एक क्वेश्चन नंबर 3 को ले लेते हैं। ये दोनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, रेगुलेशन 246 से, कहां से है बेटा, रेगुलेशन 246 से, मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान से। मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान होता क्या, ओपन कास्ट में लागू नहीं होता बेटा, ये चीज है अंडरग्राउंड का, कहां का चीज है अंडरग्राउंड का। क्या करते हैं मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान, क्या होता है कि स्केच प्लान होता है, क्या होता है एक स्केच प्लान होता है, उस स्केच प्लान में रहता क्या है, कुछ नहीं रहता, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में और डिफरेंट प्लेसेस में कितना मैन पावर काम कर रहा उसका एक प्लान रहता है। ठीक है, और उस प्लान को मैनेजर साहब साइन करेंगे, माइन ऑफिस में उसको रखा जाएगा, और उसका एक कॉपी अटेंडेंस क्लर्क को के पास भी रहेगा, दे देते हैं उसके पास रखेगा वो। बनाते कब इसको, ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ, कब बनाते हैं, हर महीना के प्रथम सप्ताह में बनाते हैं मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। कितना बात बोला, मोटा मोटी 3-4 को तो बात बोला, क्या क्या बोला सुनिए एक बार, ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ ये स्केच प्लान शैल बी प्रिपेयर्ड शोविंग द नंबर ऑफ पर्संस इंप्लॉयड इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड अदर प्लेसेस एंड इट शैल बी साइंड एंड डेटेड बाय द मैनेजर एंड इट्स कॉपी शैल बी केप्ट इन द ऑफिस ऑफ द माइंड एंड ए कॉपी देयर ऑफ शैल बी केप्ट एट द अटेंडेंस रूम और विद अटेंडेंस क्लर्क। बस इतना ही बोला है, कुछ बोला। अब यही पे दो क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है, मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान शैल बी प्रिपेयर, मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बनाया जाता है। अब आपको ऑप्शन दे दिए, एवरी ईयर, एवरी मंथ, ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ, जैसे एवरी मंथ दिखेगा बिना सोचे सब जब मार देगा एवरी मंथ को, गड़बड़ कर देगा। क्या बोला हमने, स्टार्टिंग ही चालू किया, ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ ए स्केच प्लान शैल बी प्रिपेयर्ड शोविंग ऑर्डिनरली इंप्लॉयड और जनरली इंप्लॉयड पर्सन इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट एंड अदर प्लेसेस एंड इट शैल बी साइंड एंड डेटेड बाय द मैनेजर कॉपी ऑफ दिस मैन पावर प्लान शैल बी केप्ट एट द माइन ऑफिस एंड कॉपी ऑफ दिस प्लान शैल बी केप्ट एट द अटेंडेंस रूम और अटेंडेंस क्लर्क। ठीक है, इतना ही बोला। तो मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान शैल बी प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ, हु शैल साइन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन प्लान, मैनेजर, इनका कोई काम नहीं। ठीक है, हो गया इतना। अब इसको देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है, रेगुलेशन नंबर 252, रेगुलेशन
251 भी भेजे बेटा, प्लेसेस ऑफ एक्सीडेंट नॉट टू बी डिस्टर्ब सीएमआर के प्लेलिस्ट में, और हम ग्रुप में 20 को बार डाल दिया होगा। ये रेगुलेशन 252 से है, क्या नाम है रेगुलेशन 252 का, ERAEP क्या होता भैया ये हम पूरा नहीं लिख के शॉर्ट में इसलिए लिखे कि यदि आपको कहीं फुल फॉर्म आ जाए तो आप उसको लिख सके। इमरजेंसी, इस इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड इवैक्यूएशन प्लान, क्या बोला बेटा, इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड इवैक्यूएशन प्लान, कहने का मतलब छोटे से रूप में इमरजेंसी प्लान है ये, क्या है ये, लेकिन इमरजेंसी में रिस्पॉन्स के लिए भी है ये, इसलिए क्या नाम रखा, इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड इवैक्यूएशन प्लान। इवैक्यूएशन का मतलब विदड्रॉ करना, आला हटा देना, निकाल देना, कोई ट्रप्ड जो पर्सन है उनको हटाना, जो ट्रप्ड नहीं हुए हैं उनको भी इमरजेंसी में बाहर निकालना, वो इवैक्यूएशन हुआ। तो इस इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड इवैक्यूएशन प्लान क्या होता है, ओनर एजेंट या मैनेजर जो है एक कॉम्प्रेहेंसिव प्रोग्राम बना के रखेंगे। कौन बनाएंगे बेटा, ओनर एजेंट एंड मैनेजर, आर्मी बोल रहे हैं, ओनर एजेंट एंड मैनेजर एक कॉम्प्रेहेंसिव प्लान या बोलिए प्रोग्राम बना के रखेंगे। किसके लिए बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे, यदि कोई आदमी माइंड में बीमार हो जाए, चना कोई डिजास्टर हो जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई एक्सीडेंट की स्थिति पैदा हो जाए। इमरजेंसी में क्या क्या आता बेटा, बड़ा बड़ा जैसे एक्सप्लोजन हो गया, कोल्ड एक्सप्लोजन, गैस एक्सप्लोजन, भारी इनंडेशन हो गया है, ये सब इमरजेंसी सिचुएशन है। माइंड में आग लग गया है, ये इमरजेंसी सिचुएशन है। तो ये जो हम नाम बताए, ये यदि हो जाए या कोई इंडस्ट्रियल डिजास्टर हो या नेचुरल डिजास्टर हो, इनके लिए, इनसे निपटने के लिए हम ओनर एजेंट एंड मैनेजर क्या करेंगे, कॉम्प्रेहेंसिव प्रोग्राम बना के रखेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये ERAEP को कौन बनाता है, ओनर एजेंट एंड मैनेजर, कौन बनाएगा बेटा, ओनर एजेंट एंड मैनेजर। ठीक है, ये कॉम्प्रेहेंसिव प्रोग्राम, इसमें इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड इवैक्यूएशन प्लान में रहता क्या है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की व्यवस्था, मेडिकल ट्रीटमेंट की, ट्रांसपोर्टेशन एंड इवैक्यूएशन ऑफ इंजर्ड पर्सन, उसको ट्रांसपोर्ट करके हॉस्पिटल ले जाना है। ठीक है, फिर जो ट्रैप्ड हमारे वर्कर्स है उनको रेस्क्यू करना, ये शामिल रहता है। अब इस प्लान में, इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड इवैक्यूएशन प्लान में क्या क्या कंटेंट होंगे, कंटेंट क्या क्या होंगे, क्या क्या चीज शामिल होगी इसमें, सबसे पहला नोटिफिकेशन वाला, यदि मैं काम कर रहा हूं, यदि मुझे किसी घटना के बारे में जानकारी हो तो फटाफट सब जगह खबर करूंगा। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, जब मैं खबर करूंगा कि दौड़ते दौड़ते जाऊंगा, अंडरग्राउंड से ऊपर जाने में मुझे एक घंटा लग रहा, तो जब तक तो सारा खेल खत्म हो गया। तो कम्युनिकेशन सिस्टम, वार्निंग सिस्टम, ये सब रहेगा। फिर जो रेस्क्यू पर्सन है, जो ट्रैप्ड पर्सन है, जो फंस गए हैं, उनको रेस्क्यू करने के लिए क्या प्रोसीजर है, इस इमरजेंसी को डील करने के लिए क्या प्रोसीजर है, ये सब उसमें दिया रहेगा। सब आदमी की ड्यूटी उसमें दी रहेगी। मॉक रिहर्सल का व्यवस्था रहेगा कि एक रेगुलर इंटरवल मॉक रिहर्सल, झूठ मूठ का अभ्यास करना है कि ऐसी सिचुएशन पैदा हुई तो हमारा सब आदमी रिस्पॉन्ड कर रहे कि नहीं, वो देखने के लिए मॉक रिहर्सल का व्यवस्था रहेगा। और ओनर एजेंट एंड मैनेजर इस इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड इवैक्यूएशन प्लान को बनाएंगे, उसकी कॉपी को अप्रूवल के लिए रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को भेजेंगे। किसको भेजेंगे बेटा, इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान में यदि कोई बोल दिया, या इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड इवैक्यूएशन प्लान, उसको कोई कोई इमरजेंसी प्लान ही बोलता है, तो या कोई कोई इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान बोलता है, उसका कॉपी किसको भेजेंगे, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। काहे के लिए भेजेंगे, फॉर अप्रूवल। कौन भेजेगा, ओनर एजेंट एंड मैनेजर शैल सबमिट ए कॉपी ऑफ द ERAEP टू द रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस फॉर अप्रूवल।
और एंड दैट अप्रूव्ड प्लान शैल बी इम्पोज इन द माइंड इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी इलनेस और एनी अदर टाइप ऑफ एक्सीडेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अब यदि कोई इमरजेंसी की खबर मिली, ऑन रिसीविंग इंफॉर्मेशन ऑफ इमरजेंसी ओनर एजेंट एंड मैनेजर शैल पुट द इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान इन टू ऑपरेशन बट इन केस ऑफ ऑब्सेंस ऑफ ओनर एजेंट एंड मैनेजर द प्रिंसिपल ऑफिशियल शैल पुट द ईआरईएपी इन टू ऑपरेशन। कुछ और नहीं बोला बेटा हमने, ये बोला है कि यदि कोई इमरजेंसी की खबर मिली तो ओनर एजेंट या मैनेजर जो है, ओनर एजेंट एंड मैनेजर जो है इमरजेंसी प्लान को, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान को लागू करेंगे। यदि ये लोग नहीं एब्सेंट है तो जो प्रिंसिपल ऑफिसियल होगा वो इस इमरजेंसी रिस्पांस प्लान को लागू करेगा ताकि सिचुएशन को डील किया जा सके। यह है रेगुलेशन 252। ठीक है, 252 भी हो गया, 246 हो गया। किसी टाइप का कोई ऑब्जेक्टिव आएगा जिसको एमसीक्यू बोलते हैं आप लोग, उसको आप कर सकते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है।